नमस्कार, मैं शालिनी झा। एक खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ आके मैसेज जी हैं, तो आज इनसे बात करेंगे और इनके आगामी प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे, उनकी विचारधारा क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार आके मैसेज जी। नमस्कार। तो आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में आप मुझे थोड़ा बताएंगे। वैसे मेरा नाम बता दूँ, मैं डॉक्टर आर के मैसी हूँ। मेरी संस्था है ह्यूमन केयर इंटरनेशनल, जो पूरे भारत में मानव सेवा के लिए और देश सेवा के लिए जानी जाती है। हम 38 सालों से देश सेवा और मानव सेवा कर रहे हैं। आज का जो उद्देश्य है, हम लोग 5 तारीख को एक रैली और एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जो भाईचारा, आपसी प्रेम, सद्भावना, देश में एकता अखंडता बनी रहे, उसके लिए हम लोग एक रैली और एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें तमाम धर्मों के लोग, तमाम जातियों के लोग, हर समाज से मिलकर हम एक रैली निकालेंगे और एक जगह इकट्ठा होंगे। वहां पर आदान प्रदान होगा, एक दूसरे फूलों की बारिश होगी और हम विदा होंगे। सर, आप जगह के बारे में बता सकते हैं कहां से रैली निकलेगी और कहां तक जाएंगी? ये फर्नीचर मार्केट से 9:30 बजे शुरू होगी और इसके बाद पूरा फिरने घूमते हुए सोम बाजार से हम राम मंदिर पहुंचेंगे। राम मंदिर में सारा समाज इकट्ठा होगा, वहां पर छोटा प्रोग्राम भी होगा और वहीं पर प्रीति भोज होगा, वहीं समाप्त होगा। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने इस पूरी रैली के लिए और इस पूरे विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आपने नजफगढ़ क्षेत्र को भी क्यों चुना? मैं मुझे 38 साल नजफगढ़ में हो गए और नजफगढ़ को वास्तव में बहुत बड़े फ्रेम की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि नजफगढ़ एक मिसाल बन सके, नजफगढ़ अपना प्रेम, अपना संदेश दे, ताकि पूरे भारत के लिए एक मिसाल बने कि वास्तव में नजफगढ़ एक नजफगढ़ है, जहाँ पर लोग बहुत प्रेम से और मोहब्बत से रहते हैं। धन्यवाद आपके मैसेज जी, बहुत अच्छा लगा आपके विचारधाराओं को जानकर। आप हमारे दर्शकों को क्या विचारधारा और क्या आप अपनी सोच जो है वो उन तक पहुँचाना चाहेंगे, उसके बारे में बताएंगे? थैंक यू। मेरी आपसे गुजारिश है सब लोगों से कि आप एक दूसरे को प्रेम रखिए, एक दूसरे की मदद करिए, ताकि हमारा देश महान बने और हम एक दूसरे को प्यार करें, हमारे देश की गरीबी खत्म हो, बीमारियां खत्म हो और हमारे देश का नाम सबसे ऊपर हो और हम सुप्रीम पावर बन सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। खबरों में आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझावों को हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर 1 चैनल, एक खबर।